साइड स्टार्ट प्रिपरेशन, क्योंकि आज तक दुनिया यह मानती थी कि एक भी शब्द बिना बोले हम अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तब हमारे साथ थे चार्ली चैपलिन, जिन्होंने एक भी शब्द बिना बोले सारी दुनिया को एंटरटेन किया। आज भी दुनिया जब यह मानती है कि सिर्फ औरतें अच्छा खाना बना सकती है, हमारे सामने संजीव कपूर, जिन्होंने पूरी दुनिया को भारत का स्वाद चखाया। आज भी अगर दुनिया यह मानती है कि अकेले इंसान से कुछ नहीं हो सकता, हमारे सामने महात्मा गांधी, जो अकेले चले थे और पूरा देश उनके पीछे चला था। आज भी दुनिया अगर यह मानती है कि धनवान बनने के लिए धनवान घर में पैदा होना जरूरी है, हमारे सामने धीरूभाई अंबानी, जिन्होंने पूरी दुनिया को एक सपना दिखाया, कर लो दुनिया मुट्ठी में, और आज रिलायंस इंडस्ट्री वर्ल्ड की और इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। आज भी दुनिया अगर यह मानती है कि हम कम एज ज्यादा एज में कुछ नहीं कर सकते, हमारे सामने अमिताभ बच्चन, जो आज भी एक साल में 3 ब्लॉकबस्टर मूवीज देते हैं। अगर आप यह मानते कि सिविल सर्विस में आने के लिए आपका बैकग्राउंड होना जरूरी है, आपके सामने शाहरुख खान विदाउट एनी बैकग्राउंड आज भी बॉलीवुड का बादशाह है। अगर आज तक दुनिया यह मानती थी कि हम सिर्फ धरती पर रहने के लिए बने हैं, हमारे सामने नील जो चंद्र पे जाके आए, आज तक हम ये जानते हैं कि हम क्या है, हम क्या बन सकते हैं, ये जानने का टाइम शुरू होता है अब। थैंक यू सो मच। मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, अगर तुझ में दम है तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत से कि दम है तो मिटा कर दिखा। डिफरेंस कहाँ आता है कि 10 बुक लोग एक बार पढ़ते हैं, एक बुक आप 10 बार पढ़ रहे हैं, और कहाँ टूटता है ये कॉन्फिडेंस? फैक्ट्स 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 लिख के आ जाओगे, यू विल फील दैट यू वॉन्ट गेट सेलेक्टेड इन एग्जाम। इट्स नॉट अबाउट योर इंटेलिजेंस, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू नो, इट्स अबाउट हाउ वेल यू कैन एक्सप्रेस द थिंग्स और वेदर यू अपियर फॉर इंटरव्यू। वन थिंग इज वेरी मच नीडेड, दैट इज योर कॉन्फिडेंस। कहाँ कहाँ पे भटकेंगे? You have to stick to one resource, क्योंकि UPSC का syllabus same है, हर एक classes का material same. So understand this, it's not about your intelligence, it's not about how much you know, it's about how well you can express the things. So अगर mains में questions के answer लिखने हैं, facts 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 लिख के आ जाओगे, you will feel that you won't get selected in exam. Because it's about understanding, you have to connect the links. Current affairs में अगर कुछ पूछा है तो उसको basics के साथ आप कैसे connect कर रहे हैं? अगर geography में कुछ पूछा है तो history के साथ आप कैसे connect कर सकते हैं? History में कुछ पूछा है तो इसको economics के साथ, society के साथ कैसे connect कर रहे हैं? These are the things you need to learn in UPSC. But इन सारी चीज़ों के लिए, whether you appear for prelims, whether you appear for mains, or whether you appear for interview, one thing is very much needed, that is your confidence. और कहाँ टूटता है ये कॉन्फिडेंस? इफ आई एम रीडिंग करंट अफेयर्स फॉर विजन IAS और मेरा दोस्त इनसाइट लेके बैठा है, तब मेरे में इनसिक्योरिटी आ गई, यार ये इनसाइट पढ़ रहा है, मैं विजन कर रहा हूं, कहीं छूट गया तो? आपने इनसाइट स्टार्ट किया, फिर कोई नेक्स्ट IAS का लेके आ गया, यू विल फील लाइक यार नेक्स्ट IAS करना पड़ेगा, उसने नेक्स्ट IAS, आपने नेक्स्ट IAS, कोई वाजीराम लेके आ गया, कहाँ कहाँ पे भटकेंगे? यू हैव टू स्टिक टू वन रिसोर्स, क्योंकि UPSC का सिलेबस सेम है, हर एक क्लासेस का मटेरियल सेम है। डिफरेंस कहाँ आता है कि 10 बुक लोग एक बार पढ़ते हैं, एक बुक आप 10 बार पढ़ रहे हैं। मुझे याद है जब मैं ये एक घंटे में वाजीराम का करंट अफेयर्स पढ़ता था वहां पे बैठ के, एवरीबडी वॉज विथ विजन IAS करंट अफेयर्स, बट आई वॉज वेरी मच क्लियर कि विजन के करंट अफेयर्स से दे कैन क्लियर द प्रीलिम्स, बट मेंस का कंटेंट नहीं मिलेगा। जो मैं पढ़ रहा था दैट वॉज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर मेंस, एंड आई कुड लाइक आई कंटिन्यू दिस वाजीराम विदाउट गेटिंग अफेक्टेड व्हाट अदर पीपल आर डूइंग। कोचिंग में भी ये सेम होगा, योर क्लासमेट्स विल बी डूइंग समथिंग, यू विल बी डूइंग समथिंग। आज भी दुनिया जब ये मानती है कि सिर्फ औरतें अच्छा खाना बना सकती है, हमारे सामने संजीव कपूर, जिन्होंने पूरी दुनिया को भारत का स्वाद चखाया। आज भी अगर दुनिया ये मानती है कि अकेले इंसान से कुछ नहीं हो सकता, हमारे सामने महात्मा गांधी, जो अकेले चले थे और पूरा देश उनके पीछे चला था। आज भी दुनिया अगर ये मानती है कि धनवान बनने के लिए धनवान घर में पैदा होना जरूरी है, हमारे सामने धीरूभाई अंबानी, जिन्होंने पूरी दुनिया को एक सपना दिखाया, कर लो दुनिया मुट्ठी में, और आज रिलायंस इंडस्ट्री वर्ल्ड की और इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। आज भी दुनिया अगर
अंदर ये मानती है कि हम कम एज ज्यादा एज में कुछ नहीं कर सकते। हमारे सामने अमिताभ बच्चन जो आज भी एक साल में 3 ब्लॉकबस्टर मूवीज देते हैं। अगर आप ये मानते हैं कि सिविल सर्विस में आने के लिए आपका बैकग्राउंड होना जरूरी है, आपके सामने शाहरुख खान विदाउट एनी बैकग्राउंड आज भी बॉलीवुड का बादशाह है। अगर आज तक दुनिया ये मानती थी कि हम सिर्फ धरती पे रहने के लिए बने हैं, हमारे सामने नील आर्मस्ट्रांग जो चंद्र पे जाके आए, आज तक हम ये जानते हैं कि हम क्या है, हम क्या बन सकते हैं, ये जानने का टाइम शुरू होता है अब। अगर कहीं पे भी टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, यू हैव टू गेट ऑप्टिमम आउटपुट आउट ऑफ दैट। लोग करंट अफेयर्स के नोट्स बनाते हैं न्यूज़पेपर पढ़ के, आई नेवर मेड एनी नोट्स। व्हाई? जब कोचिंग क्लासेस इतना पैसा दे के उनके लोगों को बिठा के न्यूज़पेपर में से PIB में से PRS में इतना अच्छा मंथली मैगजीन प्रिपेयर करते हैं, व्हाट्स द नीड फॉर मी टू राइट डाउन द सेम थिंग अगेन इन माई नोट्स? उससे बेटर है कि मैं वो मंथली मैगजीन बार बार रिवाइज कर लूं। वाजीराम में एक सिस्टम है, 500 लोगों का क्लास होता है। अगर आपको फ्रंट रो में बैठना है तो यू हैव टू गो 1 आवर अर्ली। सो मैं 1 घंटे पहले जाता था, लेकिन 1 घंटे पहले जाके लोग वहां क्या करते थे, दे स्टार्टेड डिस्कसिंग द थिंग्स जिनके बारे में उनको खुद को पता नहीं होता। वॉट आई यूज टू डू, पुटिंग ऑन माई हेडफोन, टेकिंग द मंथली मैगजीन एंड गोइंग थ्रू द सेक्शंस 1 by 1। एक साल मंथली मैगजीन को 1 घंटे वहां बैठ के ही रिवाइज किया है। जो पर्सनालिटी टेस्ट लास्ट